मॉर्निंग। और आज की जो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और ऐसे ही मोर वीडियोज़ के लिए बने रहें। तो आज की जो मेन जो टॉपिक है, क्योंकि मेरे पे दो पेंटिंग थी जो पेंडिंग थी, तो आज उसको मैं फिनिश करने वाला हूँ। तो फिनिशिंग से पहले उसके मुझे कुछ जो ज्वेलरीज थी वो करनी थी कंप्लीट, तो मैं एक ही कर चुका हूँ, क्योंकि दोनों के सिमिलर है तो मैं सेम चीज़ दिखा नहीं सकता वीडियो में, तो उन दोनों को हम अभी कंप्लीट करेंगे। और सर मेन क्या है, जो हम जो मोतियों की माला है वो बना रहे हैं आज। तो फर्स्ट जाएंगे, पहले देखेंगे क्या क्या करना है उसमें, और उसको कंप्लीट करके उसमें बस अब सिग्नेचर करके उसमें रेडी पेंटिंग को रेडी करना है, और बाकी उसको डन करके हम उसको सेंड कर देंगे जिसने हमसे ऑर्डर करी थी। तो हम जाके पेंटिंग स्टार्ट करते हैं। तो वाइट कलर ले लिया और ये टूल्स ले लिए मैंने, जिससे हम डॉट्स करेंगे। तो हम अंदर आ चुके हैं, और आपको मैं एक चीज़ दिखा देता हूँ। तो ये जो था इसका जो कंप्लीट वर्क ऐसा है ये, तो यही चीज़ हम सेम मेथड यहाँ करने वाले हैं। तो मैंने आपको एक मैंने कर दिया है आइडिया के लिए, बाकी मैं इसमें करूँगा तो आपको भी वो वीडियो दिखाऊँगा। तो अभी इसमें करा नहीं है ये डॉट्स, बाकी सब कंप्लीट है, और उसके बाद हम उसको सिग्नेचर करेंगे और इसको सेंड कर देंगे जिन्होंने ऑर्डर किया था। ये आप देख सकते हैं यहाँ से, पहले मैं ये वाला पार्ट पूरा करूँगा, तो उसमें मैं डॉट्स करूँगा नॉर्मली, और फिर ये पार्ट करना है हमें, फिर इसमें करना है, बस अब डॉट्स का ही काम है। उसके बाद मैंने सिग्नेचर करना है, उसके बाद ये पूरी पेंटिंग रेडी हो जाएगी। तो मैंने जो दूसरी पेंटिंग जो उसकी मैंने ऐसे सिमिलर बनाया था उसका नहीं करा, सो मैंने प्रैक्टिस कर ली थी, और ये वाली है जो कि पूरी कंप्लीट करूँगा, क्योंकि मैं सेम चीज़ दोबारा नहीं दिखा सकता, इसलिए मैंने एक में प्रैक्टिस कर ली और एक में वीडियो बना था। तो उसके लिए मैंने एक क्रॉप टूल्स ले लिए, जो मैं वो लाजपत नगर से लेके आया था। तो इसके लिए भी मैं ये वाली यूज़ करूँगा, छोटे वाले, ओके। और उसके लिए नॉर्मल एक वाइट कलर, एक्रेलिक कलर, इसमें हल्का सा पानी मिक्स कर लिया, वही है। स्टार्ट करते हैं। पार्ट हो चुका है, अब ये वाला करेंगे हम, इसमें और छोटे ड्रॉप्स लग रहे यूज़ करेंगे। ऊपर नीचे होगा तो उसको बाद में करेक्ट कर सकते हो, बट एक बार में जब भी आपने क्रॉस कर रहे हो तो आप एक बार कंप्लीट कर दीजिए। तो इस पार्ट में आ गए हैं, तो मैं इसको लेटा के इसलिए कर रहा हूँ, और उसके लिए मैं दूसरा टूल यूज़ कर रहा हूँ। इसको लेटा के इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो कलर ड्रिप ना हो। ऑलमोस्ट सब कुछ हो चुका है, हाथ में थोड़ा दर्द हो गया, क्योंकि जब भी आप ऐसी जब पेंटिंग करें कुछ डॉट्स करें तो उसको लेटा के ही करें, क्योंकि वो ड्रिप नहीं होगा। और बस अब भगवान जी के फीट बचे हैं, उसके बाद पैर को कंप्लीट करने के बाद इसको फिनिश करते हैं हम। तो इसमें हम छोटे वाले यूज़ कर रहे हैं, सबसे छोटे वाले।
डॉट्स बनाते हो स्पेशली उसमें हाथ का थोड़ा सा बैलेंस रखना जरूरी है कि कैनवस को टच ना हो, कैनवस हिले ना ज़्यादा, क्योंकि वो फिर ड्रिप हो जाएगा। तो ज़्यादातर आप जब भी ऐसी पेंटिंग करते हो उसको लेटा के जरूर करें, क्योंकि उससे क्या वो कलर ड्रिप नहीं होगा। अभी हम छोटे डॉट्स ले रहे हैं और उसके हैंड्स में करेंगे। फाइनली ऐसा हो गया है, तो डॉट्स मैंने कर दिए, तो देख सकते हैं आप डॉट्स के बाद ये कैसा दिखता है। भाई मैंने कर दी अपनी पेंटिंग फिनिश और कुछ रिजल्ट ऐसा है। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, और ऐसी मोर इंटरेस्टिंग वीडियो मेरे चैनल पे आती रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।